धन्यवाद देती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि जिन्होंने एक विकसित भारत की संकल्प को साकारते हुए आज के बजट में आदरणीय केंद्रीय मंत्री माननीय निर्मला जी सीतारमन को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हम जो लगातार डिमांड कर रहे थे और महिलाओं की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाइकल कैंसर का टीकाकरण होना ये मांग थी। मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को, उन्होंने भी काफी समय से इस बारे में मीटिंग्स करी है और ये सम्मिलित होने के लिए तो आज इस बजट में वो भी शामिल हुआ है जो हम प्रिवेंट कर पाएंगे भविष्य में कैंसर सर्वाइकल कैंसर के लिए ये प्रिवेंशन है वैक्सीनेशन थ्रू। उसके अलावा माता बच्चों की देखभाल के लिए हम जो टीकाकरण के लिए यूविन पोर्टल है यूविन से मॉनिटरिंग उसको भी हमने इस बजट में लाके और स्ट्रेंथन किया है। आशा बहन हमारी आशा बहन आंगनवाड़ी सेविका जो गांव गांव में घर घर तक पहुंचती है जिन्होंने कोविड के समय में बहुत ही अच्छा काम किया है उनके लिए आयुष्मान भारत योजना के लिए जोड़ना ये भी हमारी मांग थी वो भी इस दृष्टि से आज पूरी हुई है। बहुत बहुत अच्छा लगा कि उनको भी आज इस योजना से जोड़ा गया और जहां पे मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ानी है या नए कॉलेज करने हैं तो उसके लिए भी इस बजट में कहा गया है कि वहां पे भी हम लोग कमेटी गठित करके उसके स्क्रीनिंग के लिए काम करेंगे। धन्यवाद देती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि जिन्होंने एक विकसित भारत की संकल्प को साकारते हुए आज के बजट में आदरणीय केंद्रीय मंत्री माननीय निर्मला जी सीतारमन को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हम जो लगातार डिमांड कर रहे थे और महिलाओं की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाइकल कैंसर का टीकाकरण होना ये मांग थी। मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को, उन्होंने भी काफी समय से इस बारे में मीटिंग्स करी है और ये सम्मिलित होने के लिए तो आज इस बजट में वो भी शामिल हुआ है जो हम प्रिवेंट कर पाएंगे भविष्य में कैंसर सर्वाइकल कैंसर के लिए ये प्रिवेंशन है वैक्सीनेशन थ्रू। उसके अलावा माता बच्चों की देखभाल के लिए हम जो टीकाकरण के लिए यूविन पोर्टल है यूविन से मॉनिटरिंग उसको भी हमने इस बजट में लाके और स्ट्रेंथन किया है। आशा बहन हमारी आशा बहन आंगनवाड़ी सेविका जो गांव गांव में घर